विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने रविवार को सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में आयोजित परिषद गोरखपुर महानगर द्वारा आयोजित धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात सदस्यों द्वारा धर्म रक्षा निधि समर्पण किया गया। अपने संबोधन में परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने अपने स्थापना काल में ही जिन कार्यों को अपने जिम्मे लिया उनको पूरा किया, जिसमें श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण भी सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि आज उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो दिसंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोटि कोटि हिंदू समाज के आराध्य श्री राम के मंदिर के बनने से पूरा भारत एक सूत्र में बंध जाएगा। इसके अलावा उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के वार्षिक क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद अपने सेवा के कार्यों, जिसमें गौ रक्षा, एकल विद्यालय, अनाथालय, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, वेद विद्यालय, स्वास्थ्य शिक्षण, माताओं बहनों के आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वावलंबन केंद्र आदि शामिल है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण मुरारी राय, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल, प्रांत संगठन मंत्री परमेश्वर जी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, दुर्गेश त्रिपाठी, डॉक्टर डी के सिंह, विष्णु प्रताप सिंह, पुष्प दंत जैन, डॉक्टर सत्या पांडे, अतुल सर्राफ, श्रगुण श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान कृष्ण मुरारी राय जी और अपनी युवा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करने की। राय नमः, श्री सरस्वती नमः, राय नमः, चंद्रमाकाजाय नमः, श्रोत्रान्वाय कार्यकर्ता हैं,
योजना बनाते हैं, लेकिन वो सब स्थानीय कार्यक्रम है। हमने भारतवर्ष की संपूर्ण आबादी को 44 इकाइयों में विभाजित किया है। हर एक इकाई को प्रांत संज्ञा दी गई। ऐसे ही सब बड़े बड़े प्रांत हैं राजस्थान को भी, भारत की 4 इकाइयाँ, ऐसे 44 इकाइयों में देश संगठन की घटना है। अब जहाँ बनते हैं इसको अपने गोरक्ष प्रांत कहा। योजना अखिल भारतीय स्तर पर बनी कार्यक्रम गौरव से प्रांत और देशव्यापी कार्यक्रम सब जगह हो गए। कृषि मंत्री परिषद के काम का प्रारंभ तो 1964 परिषद गोरखपुर महानगर द्वारा विश्व में पूरे विश्व हिंदू परिषद में जो वार्षिक कार्यक्रम करते हैं विश्व हिंदू परिषद, उसके लिए जो समाज के तरफ से जो हम लोग को एक धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम प्राप्त होता है, उसके लिए आज यहाँ कार्यक्रम किया गया है। आज इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के माननीय केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान चंपत राय जी, जो इस वर्तमान समय में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री भी हैं, वो उनका आगमन हुआ है। आज उनका ओजस्वी उद्बोधन हम सबको प्राप्त होगा। आज कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज कार्यकर्ता जो है अपना बढ़ चढ़ करके देश समाज के लिए अपने समर्पण आज भगवान श्री राम के चरणों पर करेंगे।